अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमेरात और 1 अक्टूबर कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफ़ी ज़्यादा इस्तेहकाम में रहेंगे। आपके जो भी तलुकात हैं इनमें तनाजात का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए एक ये दिन है जब आप दूसरों की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ने का मौका देंगे। आपकी सीधी बात कर देने की आदत की वजह से लोग ऐसा मान सकते हैं कि आपको दूसरों से बदतर भी समझ सकते हैं। लेकिन आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से आपके तलुकात को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल होगी। लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि जो भी करें सोच समझ कर करें। बुरज सौर। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब आपके खुशगवार सूरतेहाल की वजह से आपके तलुकात को काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद बना देंगे। मोहब्बत के मामलात में इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपने जज्बात का इजहार करने का मौका मिलेगा। कारोबारी जिंदगी में वो अफराद जिनको कुछ फैसलों को करना पड़ सकता है वो आज के दिन अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और अपने सीनियर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मेहनत करें। अगर आप अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुखलिस अंदाज को फ़रोग देते हैं तो कुछ ही अरसे में आपको बेहतर नतीजे भी हासिल हो सकते हैं। बुरज जौजा। इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए आज का दिन मुस्बत रहेगा। अपने जिंदगी के मामलों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा तवानाई से भरपूर होंगे। अपने एतमाद को फ़रोग देते हुए आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मोहब्बत के मामलात में इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने नज़रियात का खुलकर इजहार करने के लिए तैयार रहेंगे। कारोबारी लिहाज से आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो आपके लिए मुस्बत नतायज लाने का ही सबब बनेंगे। अपने काम में आपको तकनीकी होने और नए तरीकों को आगे बढ़ाने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन आज के दिन आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम फैसलों को करने की ज़रूरत है। बुरज सरतान। आज के दिन अपने नज़रियात में बेहतरी लाने के लिए आपको कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और अपने इर्द गिर्द नज़रियात में तब्दीलियों को फ़रोग देने की भी आपको ज़रूरत महसूस होगी। वैसे तो इस बुरज से मुंसलिक अफराद सब्र व तहम्मल के मालिक होते हैं और किसी भी फैसले को जल्दी में नहीं लेते हैं। लेकिन आज कुछ फैसलों को लेकर आप गैर महफूज महसूस करेंगे। मोहब्बत के मामलों में आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहेगा। कारोबारी लिहाज से अपनी खुशगवार शख्सियत और सलाहियतों की वजह से कारोबारी ज़िंदगी में एक मुकाम बनाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने मामलों में एहतियात से काम लें। बुरज असद। अपने वसाइल को फ़रोग देने के लिए इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपनी सलाहियतों को फ़रोग देने की ज़रूरत है। आज के दिन चांद बुरज सौर में और आपके दूसरे घर में रहेगा जो कि तख्लीकात का घर होता है।
अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं तो आज के दिन बुनियादों को मजबूत करने के लिए आपके पास बेहतरीन वक्त है। माली लिहाज से इस बुरस से मुंसलिक अफराद को काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात को लाने का बाइस बनेगा, इसीलिए मोहतात रहें। बुरज सुंबला, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए गौर व फिक्र करने का होगा। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से ज़ाती नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग देने में मदद हासिल होगी। ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाकर चीज़ों को फ़रोग दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है इसका बहादुरी के साथ मुजाहिरा करें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। मोहब्बत के मामलात में आपको साथी की ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखने का मशवरा दिया जाता है। इन दिनों अपने कारोबारी मामलात को ज़्यादा और घरेलू ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं करते तो आप अपने मामलात में पीछे रह जाएंगे। बुरज मेज़ान, इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग देने की कोशिशों में लगे रहेंगे। हम में से ज़्यादातर अफराद अपने अंदर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और अक्सर औकात कुदरत की जानिब से दिखाए जाने वाले इशारों को भी नहीं समझ पाते। आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। आज के दिन सियारवी महरकात की जानिब से आपको अच्छे मुआमलात को फ़रोग देने में मदद हासिल हो सकती है। अपने दिल दिमाग में तवाज़न लाने की कोशिश करें, तब ही आप कामयाबी की जानिब आगे बढ़ सकेंगे। बुरज अकरब, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने और माहौल के इर्द गिर्द तवाज़न को कायम करने की कोशिशों में लगे रहेंगे। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से अपने दोस्ताना तलुकात को फ़रोग देने में मदद हासिल होगी। मुश्तरी की महरकात आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा पुरजोश और हसास बना देंगे, जिसकी वजह से आपको अपने जज्बात का इजहार करके एक सहारा मिलेगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कारोबारी लिहाज से लोगों की नफ्सियात को समझने और इसके मुताबिक इकदामात करने के लिए आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वक्त है, इसीलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि इस वक्त को ज़ाया ना करें बल्कि जितना हो सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए सरमायाकारी इकट्ठी करें। बुरज कौस, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद नए मामलात को फ़रोग देंगे। अब ये आप पर इन्हिसार करता है कि आप किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को इस दुनिया में पूरा करते हैं और मामलात यकीनन आपके मुताबिक नहीं होंगे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन ये रुकावटें आपकी ज़ात में नई और मुस्बत तब्दीलियां लाने का बाइस बनेंगे। अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के जो भी पुरसकून लम्हात हैं इनको बर्बाद करना पड़ेगा और शदीद मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से अच्छा मौका फराहम किया जाएगा। बुरज जदी, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का तख्लीकी दर्जा काफ़ी ज़्यादा बुलंद रहेगा। आप किस तरह से अपने मामलात को फ़रोग दे सकते हैं ये सब आप पर इन्हिसार करता है।
आज के दिन चांद बुरज सौर में और आपके नौवें घर में होगा, जो के समझदारी और नई चीजों को समझने का घर होता है। रूहानी मामला को फरोग देना आज के दिन आपकी पहली तरजीह रहेगी। अपने वजदान पर भरोसा करें और कारोबारी मामला में आपकी आगाही पैदा करने की काफ़ी ज़्यादा आपको कमी महसूस हो रही है, लिहाजा इसको पूरा करें। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर इस बुरज से मुंसलिक अफराद को तवाज़न कायम करने का मशवरा दिया जाता है। बुरज दिल, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने अंदरूनी मामलात को फ़रोग देंगे। अपने जज्बात और एहसासात को लेकर काफ़ी चीज़ों पर गौर फिक्र करेंगे। आज के दिन चांद बुरज सौर में और आपके आठवें घर में रहेगा। ये घर तब्दीलियों और तलुकात को मजबूत करने का घर होता है। अपनी ज़िंदगी से आपने जो भी सीखा है, इनको समझना और ख़ुद से ईमानदार हो के अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आपकी एक अलग पहचान को सामने लाएगा। सेहत के हवाले से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। बुरज हौत, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपने चाहने वालों की जानिब से धोखा मिल सकता है। अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए काम से वक्का लेने की भी आपको ज़रूरत है। कारोबारी लिहाज से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशगवार और नए नज़रियात से भरी रहेगी। अपने जोश को सीनियर्स को दिखाने की कोशिशें करें, यकीनन आपको मुस्बत नताइज हासिल होंगे। ख्वाबों को पालने और हकीकत बनाने वाले अफराद को आज काफ़ी ज़्यादा तवज्जो हासिल होगी। आज के दिन आपकी सलाहियतें और जिम्मेदारियों को काफ़ी ज़्यादा सराहाया जाएगा। माली लिहाज से एक चलाक और समझदार आदमी की जानिब से मशवरा आपके मकासद को हासिल करने में मदद देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो लिंक को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।